इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख आरवी अशोकन ने कहा है कि भ्रूण का लिंग पता करने पर रोक लगाने से कन्या भ्रूण हत्या तो रुक सकती है, लेकिन इसे बच्ची के पैदा होने के बाद उनकी हत्या नहीं रोकी जा सकती। ये बात अशोकन ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि आई एम ए मौजूदा प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट में बदलाव के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। मौजूदा कानून भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक पर रोक लगाता है और ऐसा करने वाले डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराता है। इसमें हमारी तरफ से एक सुझाव ये है कि क्यों न भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाए और फिर कन्या भ्रूण की रक्षा की जाए। अशोकन ने कहा कि एक सामाजिक बुराई के लिए आप मेडिकल सॉल्यूशन पर निर्भर नहीं कर सकते। क्या हमारा सुझाव काम करेगा या क्या ये प्रैक्टिकल है, इस पर बहस कर सकते हैं। अगर आपने सामाजिक बुराई को ठीक नहीं किया तो कन्या भ्रूण हत्या तो रुक जाएगी, लेकिन पैदा होने के बाद बच्चियों को मारा जाना जारी रहेगा। अशोकन ने कहा कि उनके नजरिए से PCPNDT एक्ट को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है। ये सिर्फ मौजूदा स्थिति को देखता है और NGO की इसमें बड़ी भूमिका रहती है। कन्या भ्रूण हत्या रोकना हमारी भी प्राथमिकताओं में है, लेकिन हम इस एक्ट में बताए गए तरीके से सहमत नहीं हैं। इसकी वजह से डॉक्टरों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।